हमारा ब्राउन हो गया तो टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। लग तो रही है। यहाँ पर भी आप ब्राउन डाल देते हैं, नमक मिर्च इधर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब बहन भाई ठीक होंगे अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से। मैं भी ठीक हूँ और मेरे देखने वाले यहाँ भी रहें, खुश रहे, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ जी आज कब लोग करते हैं जी शुरू। तो आज है जी जुमतुल मुबारक। तो अभी दोपहर के हुए हैं जी, तो जहाँ पर जी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, जहाँ पर जी बेटी बहन ने की हैं जी बर्तन साहब और जे जो छापे होते जे तो रोज़ाना ही धोनी होती है। और बाप साहब बैठी हैं जी इधर स्कूल से आकर, क्योंकि आज इसे जल्दी छुट्टी हो गई थी और मोबाइल तो देख रही है जी अपने पसंदीदा टिकटॉक कार्टून वगैरह जो भी है वो देखती है जी। तो स्कूल से जल्दी आ गई थी आज, तो बाप के जो बाबा हैं वो गए हैं जी जुम्मा तो मुबारक था, तो जुम्मा पढ़ने गए हैं। और सब बहन भाई को जी मेरी तरफ से जी जुम्मा मुबारक। सफाइयाँ वगैरह जी सब हमने कर ली हैं आज, बल्कि आज की अर्जाना ही हो जाती है। मैंने कहा चलो जी इसी टाइम अपने लोग शुरू कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर जी बापे बाबा जो है जी अपने लिए लेके आए थे नया जूता, तो अभी ला कर रख दी गई है। तो कहते हैं जुम्मा पा रहा हूँ तो फिर आके तो पहनता हूँ, तो वो आते हैं फिर मैं आपको जी दिखाती भी हूँ, क्योंकि उनका जूता कोई भी नहीं था और सर्दियों में उनको जूते की बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, क्योंकि आपको पता है ना उनके पाँव जो है बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, इसलिए इस नरम सी सॉफ्ट ही लेके आए हैं। फिर अभी आपको चीज़ दिखाती हूँ कैसे लेके आए हैं। और वैसे भी वो गर्मियों में आपको पता शूज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो माशाल्लाह से जी यहाँ पर जी बाप के बाबा भी आ गए हैं जी जुम्मा पढ़ के। जी जी पा रहे हैं जुम्मा माशाल्लाह से जी आते इस्लाम लिया, तो मैंने जी यही अचानक ही देखा तो आ गए थे। तो जहाँ पर जी बाप के बाबा ने अपना नया जूता जो है निकाल कर जी पहन लिया माशाल्लाह से जी, बहुत ही प्यारा प्यारा मुझे तो बहुत पसंद आया जी, बहुत सॉफ्ट है जे उतारे ना मैं दिखाने में। हाँ जी ये देखें नरम है और इनके पैरों को जी इस नरम जूते का ही सही रहते हैं, नरम जूते मैम स्टारलाइट के ले गए। अच्छा जी जी स्टारलाइट पे ले गए हैं वो ये। आप पहले भी जी बहुत अच्छे ही पहनते हैं, मैंने आप बस अल्लाह का शुक्र है अल्लाह दे रहा है जी जी बिल्कुल माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आए। और आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हैं जी जूते। और यहाँ से जी मैं अभी डब्बे को उठा लेती हूँ। बच्चों को जी चावल पसंद है इसलिए हम बनाने लगे हैं जी जहनी पुलाओ। और जहनी तली है जी मैंने गोश्त को ऊपर रख लिया, गोश्त जो है जी अच्छी तरह गल दे पर गोश्त अच्छी तरह गला हो तो फिर मजा आता है। तो आज हम बनाएंगे जी जहनी पुलाओ। इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ। तो आज की आप बात करते हैं ना कि आवाज़ बहुत कम आती है, आपको पता है कि एक हमारा घर जो है ना कोने पर एक गली आमतौर पर इतनी गाड़ियाँ गुजरती है, वैसे भी शोर इतना होता है, तो आवाज़ हो क्या मेरे पास मैक नहीं है मैक इसलिए जी आवाज़ शायद आपको, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ऊँचा बोलूँ। जब अल्लाह ताला देगा तो मैं मैक भी ले लूँगी और आप तो उस तक आवाज़ मेरी करीब आएगी। तो यहाँ पर जी प्यारे बहन भाइयों मैं यानी पुलाव किस तरह बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहनी जो है जी मैंने बना कर रख ली है और गोश्त जो हमारा थे अच्छे से गल गया मैंने चेक किया
यहाँ पर जी मैंने बहुत ज़्यादा प्याज ले लिया, दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं। आप इसमें एक जी डाल लेते हैं, ये टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने काट कर रख ली है, और ये मसाले, नमक जो हल्दी हो मैंने ना यहीं में डाल ली थी, और इधर जी मैंने वो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना कर रख लिया। सही तरीका है, आप लोगों का कैसे है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बड़ा गोश जो है ना हमारे घर में कम ही बनता है। हमारा ब्राउन हो गया तो टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन अदरक है यहाँ पर भी आप ब्राउन डाल देते हैं, नमक मिर्च दरा भी चली है, मैंने सुरह मिर्च पीसी हुई है, सूखा धनिया पाउडर गर्म मसाला पीसा हुआ लिया क्योंकि साबुत गर्म मसाला मेरे पास नहीं था, और नमक और हल्दी मैंने पहले ही यखनी में डाल ली हुई है, इसलिए भी नमक काफ़ी इसमें नहीं डाले। ये मेरा अपना ही तरीका है जी यखनी पुलाव बनाने का। मैंने अच्छी तरह से भून लिया, आप इसमें डालते हैं हम यखनी, इसके बाद अच्छे से उबाल आ जाएगा, फिर इसमें चावल डाल देंगे क्योंकि चावल मैंने दो कर रख दिए हुए हैं। अभी बस बर्तन उठा लेते हैं साथ। तो मैंने लगाया हुआ है जी दम, दम को खोलते हैं क्योंकि देखते हैं लग तो सही रही है। हाँ जी सी हो गया, चूल्हे को कर देते हैं जी बंद क्योंकि मोबाइल मेरा जो है ना बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, काफी दिन हो गया, कभी खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही चलना शुरू हो जाता है, और आज भी इसने ऐसे ही किया मोबाइल में मेरे साथ। आगे देते हैं अभी बच्चों को क्योंकि बच्चे बहुत उतावले हुए हैं, उनको भूख लगी हुई है। यम्मी यम्मी सा जी पुलाव तैयार हो गया, और जिस जिस बहन भाई ने खा रहा है तो आके जी हमारे साथ खा सकता है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमने खा लिया है जी सब ने, और बाबा बाबा भी नहीं जाए, वो आज बाहर है इसलिए जी वो आकर खाएंगे। तो चलो जी फिर सही है जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे हद तक। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, जो नहीं देखे मैंने सब्सक्राइब करें जी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप फुल वॉच भी कर दिया करें, तो ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट रूटीन में जी, अल्लाह हाफिज़।